आज हम लोग बनाएंगे छोले की सब्जी। इसके लिए जो सामग्री हम लोगों को चाहिए, सबसे पहले तो आप जो छोले हैं उसको करीब 5 से 6 घंटा पानी में भिगो दें। उसके बाद 2 प्रेशर आने तक का इसको सीटी लगा लें ताकि छोले आपके नरम पड़ जाए। देखिए, उसके साथ आप छोटे छोटे टुकड़े में ऐसे आलू काट लें। प्याज चाहिए आपको जो छोटे छोटे पत्ते पत्ते टुकड़े में कटे हुए हैं, टमाटर छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए, अदरक घिसा हुआ, 8-10 आपका लहसुन की कलियां, हल्दी, साबुत जीरा, थोड़ा सा कसूरी मेथी और गरम मसाला। ड्राई पाउडर में हम लोगों को चाहिए नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और जो चना बनाने के लिए मार्केट में मिलता है आपको चना मसाला, तो वो चना मसाला थोड़ा सा ही चाहिए, 1 चम्मच के आसपास, और सरसों का तेल। चलिए बनाना शुरू। सबसे पहले आप तेल गरम कर लें और उस पर लगा लें थोड़ा सा जीरे का तड़का। जीरा कटिंग कर जाए तो जो आलू हम लोगों ने डाइस में काट के रखा हुआ है वो आलू डाल देंगे। अब देख सकते हैं आलू थोड़ा सा हल्का फ्राई हो गया है। अब इस स्टेज पे हम लोग इसमें प्याज ऐड कर देंगे। करीब 250 ग्राम चने में छोले पे मैंने करीब 2 बड़े प्याज ऐड किए हैं। इसको भी इसके साथ अच्छा सा भुनेंगे, अच्छा सा फ्राई कर ले, इसको भी अच्छा सौते करते हुए। और साथ ही साथ इस पर आप डाल लें लहसुन की कलियां भी, इसको मैंने कूट लिया है। आप चाहे तो पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने इसका कूट के डाला हुआ है। अब देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं, प्याज भी अच्छा सा लाल पड़ गया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे किसा हुआ अदरक, साथ ही बारीक चॉप किए हुए जो टमाटर हम लोगों ने रखा था वो टमाटर, इसको भी 2 मिनट भून लेंगे। दो मिनट हो चुके हैं इनको फिर से इसको फ्राई करते हुए, और इसके बाद हम लोग इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप ऐड करें धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, छोले मसाले, नमक, हल्दी। इन सब मसालों को एक साथ करके उसको 2 मिनट फिर से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं आपका तेल भी बाहर आ गया है, मतलब मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम लोग डाल देते हैं जो बॉयल चना हम लोगों ने रखा था, बॉयल चना, और साथ ही साथ कसूरी मेथी बिल्कुल हाथ से क्रश करके हम लोग इसको डालेंगे। और इसको अच्छे से मिला लें। दो मिनट फिर इसको फ्राई कर लें इसी के साथ, और फिर आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम लोग इसे ग्रेवी ऐड कर लेंगे। हो चुके हैं मसाले के साथ छोले को भूनते हुए, ये भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं और मसाले को अच्छे से लटपट हो गई है। अब हम लोग इसमें पानी डाल देंगे जितने की ग्रेवी की आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, ठीक है। छोले ऑलरेडी बॉयल है, आलू भी फ्राई होते हुए बॉयल हो चुकी है, इसमें अच्छा सा बॉयल आने दें। ग्रेवी मस्त सुंदर आया है, मुझे इतनी ग्रेवी की आवश्यकता है। तो इस स्टेज पे आप गरम मसाला ऐड करें
और अच्छे से मिलाए। बस हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब इसको निकाल लें और गर्मा गर्म सर्व करें। बनके तैयार है छोले की सब्जी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी नए विजिटर्स हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहे। ये छोले की सब्जी आप पराठा, रोटी, नान या फिर भटूरे के साथ इसको गर्मा गर्म सर्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।